सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड फाइनली आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज की वीडियो में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इतने दिनों तक वेट करने के बाद फाइनली मैंने अपना न्यू डिवाइस परचेस कर लिया है। सो आज की वीडियो में हम अपने डिवाइस को अनबॉक्स करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा न्यू डिवाइस, जो कि है iPad mini 5। एंड गाइस, ये वाला iPad मेरे लाइफ का फर्स्ट iPad होने वाला है, तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको इस बॉक्स को पूरी तरह से आगे पीछे से दिखा देता हूँ। एंड गाइस, इसको मैंने 256GB वाला ऑर्डर किया था, क्योंकि एज यू नो गाइस, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, गेम प्लेस वगैरह रिकॉर्ड करते रहता हूँ, तो इसलिए मुझे ज्यादा स्टोरेज की जरूरत थी, इसलिए मैंने 256GB ऑर्डर किया था। तो जब तक iPad अपना अनबॉक्स हो रहा है, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। सो फाइनली अपना iPad अनबॉक्स हो चुका है। एंड गाइस, इसको मैं पहले से ही अनबॉक्स कर चुका हूँ, क्योंकि इसको मैंने Flipkart से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। एंड गाइस, डिलीवरी के टाइम पे ही मैंने इसको अनबॉक्स करके देख लिया था। सो यहाँ पर मैंने इस iPad को वापस से इसके बॉक्स में पैक कर दिया था, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी थी। तो बाकी गाइस, iPad के अलावा यहाँ पर आपको iPad का चार्जिंग केबल मिलने वाला है, एंड उसके साथ साथ आपको एडेप्टर मिलने वाला है, जो कि 10 वॉट का मुझे मिला है। एंड गाइस, उसके साथ साथ कुछ पेपर वर्क्स जो सारे डिवाइस में दिए जाते हैं, एंड उसके साथ साथ एप्पल वालों की तरफ से कुछ एप्पल स्टिकर्स यहां पर आप लोगों को मिलते हैं। एंड गाइस, यहां पर एडाप्टर आप लोगों को ऐसे दो पार्ट में मिलने वाले हैं, जिसको आप ऐसे असेंबल करके यूज करोगे। एंड गाइस, यहां पर आप लोग चार्जर के पीछे देखोगे तो यहां पर कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी गई हैं। एंड गाइस, एप्पल का लोगो वगैरह है, एंड कितने वॉट का चार्जर है, क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन वहां पर लिखा हुआ है। एंड गाइस, बाकी अपना मेन चीज iPad, इसके ऊपर का रैपर हम निकाल देते हैं। तो भाई कसम से, काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है ये वाला iPad। मैंने फर्स्ट टाइम इसको अपने हाथ में लिया था, तो भाई काफी ज्यादा प्रीमियम फील हुआ था मेरे को। एंड बाकी गाइस, बात करें इसकी परफॉर्मेंस वगैरह की, गेम प्ले वगैरह की, एंड ग्राफिक्स की, एंड लैग वगैरह की, तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को खुद इस डिवाइस को यूज करना पड़ेगा, तब जाके मैं वो वीडियो बना कर लाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इन सारी चीजों के बारे में। मतलब ऑलमोस्ट 8 इंच आपको मिलने वाला है इसका डिस्प्ले, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ है ये। एंड अगर आप किसी भी फ़ोन से iPad पे शिफ्ट होगे तो ये वाला iPad सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये बड़ा भी नहीं है एंड छोटा भी नहीं है। आप फ़ोन से अगर iPad शिफ्ट होगे तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। तो बस फिलहाल के लिए इस डिवाइस के बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ। एंड गाइस, बाकी इसके रिव्यू के लिए आपको 1 मंथ वेट करना पड़ेगा, या फिर 1 वीक के अंदर मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा, जिसमें मैं इस डिवाइस के बारे में आप लोगों को क्लियरली बता दूंगा। एंड बाकी गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एंड गाइस, आगे मैंने कुछ iPad के गेम प्ले क्लिप्स ऐड करी हुई है, जिसको आप लोग देख सकते हैं।
नाइस नाइस, जल्दी जल्दी इधर ही नाइस, इसको पता नहीं।